आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मंकी मैन मूवी का। अब इस फिल्म को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। पहले तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली थी, पर इंडिया में बैन को लेकर नेटफ्लिक्स वालों हाथ पीछे खींच लिए। उसके बाद मूवी जॉर्डन पीले ने देखी और वो इसे थिएटर में रिलीज के लिए रेडी हो गए। उसके बाद भी मूवी इंडिया में थिएटर में नहीं लगी। अब फाइनली मूवी ओटीटी पर आ चुकी है बिना किसी काट छाट के। तो मैं आपको वो वजह भी बताऊंगा जिससे मूवी इंडियन थिएटर्स में नहीं लग सकती थी। अब इस मूवी में एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो मंकी फेस का मुकोटा पहनकर रेसलिंग करता है और उसके पास में कुछ ऐसा घट चुका है जिससे वो रिवेंज लेना चाहता है। अब कौन है वो लोग और उन्होंने इस बंदे का क्या बिगाड़ा है, वही सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अब एक्शन मूवीज की स्टोरी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि हर एक मूवी में उस सेम पैटर्न ही देखने को मिलता है, पर इस मूवी की स्टोरी में चाहे आपको कुछ नया देखने को नहीं मिले, पर जिस तरह से मूवी की प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है बहुत ही धांसू बना देती है इस मूवी को। मूवी में देव पटेल जिस तरह से अपने काम को करते हैं, जिसमें किसी की मदद ना लेकर भी वो अकेले ही जिस तरह से उस काम को करते हैं, तो आपको लॉजिक भी देखने को मिल जाता है। अब इस मूवी को डायरेक्ट किया है देव पटेल ने, जो इस मूवी के लीड में भी है। अब बंदे ने जिस तरह से इंडिया को प्रेजेंट किया है उसमें शायद बहुत से लोग उनकी ये वाली सोच को गलत समझे, पर मैं लोगों की इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि भाई जो चीज हमारे देश में है वो गरीबों का हाल या जो भी आप समझे वो सब दिखाया है, जो मुझे काफी बढ़िया लगा कि इस स्तर पे भी कोई हॉलीवुड का बंदा इंडिया को इतनी डीप दिखा सकता है। अब मूवी में हम जिस बात पर बात कर रहे हैं, भाई गरीब होना गुना तो नहीं है ना, तो असलियत को असलियत तरीके से दिखा दिया तो इसमें इंटरनेशनल लोग क्या बुरा मानेंगे। अब मूवी में इस बात को छोड़ भी दे तो मूवी में जो इंडियन गॉड्स के रेफरेंस देखने को मिलते हैं वो सिर्फ नाम के लिए यूज नहीं किए, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है और मुझे नहीं लगा कि किसी भी गॉड की कोई बुरी छवि बनाई गई है। अब मूवी में आपको स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में अच्छा खासा सस्पेंस देखने को मिलता है जिसमें आप लोग समझ तो जाएंगे कि किस चीज से मूवी जुड़ी है, पर उसे जिस प्रेजेंटेशन के साथ दिखाया है बहुत ही बढ़िया लगता है। अब मूवी के 30 मिनट्स के बाद जो आपको एक्शन देखने को मिलने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त है, जिसमें जो रो एक्शन होता है जिसे हम रियल समझते हैं, जिसमें हीरो को भी मार पड़ेगी और तो विलन को भी, वैसा ही देखने को मिलता है। तो नो फेकम फाकी और उन एक्शन सीन्स को जिस तरह से इंडियन लोकेशन में दिखाया है वो भी काफी बढ़िया लगता है। अब एक्शन की बात चल ही रही है तो मूवी में आपको काफी सारा एक्शन देखने को मिलता है। आप ऐसा समझ लीजिए मूवी में 40% कहानी है और बाकी 60% एक्शन है, जो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें आपको बाथरूम से लेकर कोठे और कोठे से लेकर वो किचन और किचन से लेकर वो रोड एक्शन सीन्स, जिसमें हमारे ऑटो रिक्शा को जो बुगाटी बनाया है, इसके बाद रेसलिंग रिंग से लेकर वो होटल तक सब में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा जो बहुत ही ब्रूटल भी है। अब इस मूवी का एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें हमारा हीरो घायल है और हीरो को बना देते हैं ट्रांसजेंडर। अब इन सीन्स को भी काफी डीप तरीके से दिखाया है, जिसमें शिव पार्वती की एक मूर्ति है जिसमें दोनों एक ही मूर्ति में है, तो वो सीन्स में आपको काफी गूसबम्स देता है। अब इन सीन्स में ट्रांसजेंडर की बहुत अहम भूमिका है। अब इस मूवी में ट्रांसजेंडर पे हो रहे अत्याचारों को भी थोड़ी जगह दी है, जो मूवी के हिसाब से काफी थी और वो मूवी में वर्क करती है। अब मूवी इमोशनल भी काफी अच्छी निकल कर आती है, जिसमें देव पटेल की माँ ने जिस तरह का किरदार निभाया, उनकी माँ ने उनको जिस तरह का प्यार दिया था, उसके लिए दुनिया खिलाना तो बनता था। अब जो देव पटेल की माँ वाले सीन है वही इस मूवी की मेन कड़ी है, क्योंकि इनकी माँ ने ही इनको भगवान हनुमान जी से प्रेरित किया था। तो देव पटेल वाला कैरेक्टर पूरी तरह से मूवी में हनुमान जी से इंस्पायर रहता है, जिसमें एक सीन ऐसा भी देखने को मिलता है जब हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया था, तो इसमें भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, पर वो देव पटेल के उस दर्द को अपनी ताकत बनाने के लिए दिखाया है जिसे वो अपने दिल में छुपाए बैठे हैं। अब मूवी में आपको काफी सारे इंडियन गॉड्स के रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जिसमें रामायण हनुमान जी से रावण की वो लड़ाई जैसे कुछ रेफरेंस भी है। तो जैसे मैंने कहा मूवी में इन सब चीजों को बहुत अच्छे से दिखाया है, जो मुझे कहीं नहीं लगी कि बिना बात के डाल दिया या फिर किसी भी धर्म की कोई बुराई दिखाई है ऐसा कुछ, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर हॉलीवुड से आकर अगर कोई बंदा इंडिया में इस तरह की एक्शन मूवी बना सकता है तो भाई बॉलीवुड वालों तुम क्या कर रहे हो। तो और मूवी का डायरेक्शन मुझे काफी जबरदस्त लगा, जिसमें आपको डार्क माहौल तो देखने को मिलता ही है, पर मूवी कहीं भी ऐसे अपनी ग्रीप नहीं छोड़ती, जो अपनी इंटेंस बिना कोई एंगर वाली वाइब बनाकर चलती है, और जो इमोशन से लेकर एक्शन का तड़का आपको मूवी में देखने को मिलेगा बहुत ही जबरदस्त है। बाकी मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही डार्क है और कुछ सीन्स में जो कैमरा एंगल देखने को मिलता है खास करके एक्शन सीन्स में वो भी काफी जबरदस्त है। अब इस मूवी में आपको खूब सारे वायलेंस देखने को मिलता है, जिसमें ब्लड शेड भी है, जो मुझे काफी सेटिस्फाइड लगा। अब एक्शन सीन्स में हैंड टू हैंड फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं, इसलिए वो बॉडी पर खून ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी मूवी में इंग्लिश से लेकर हिंदी सॉन्ग सुनने को मिल जाते हैं और रैप सॉन्ग्स भी है, जो एक्शन सीन्स में काफी जबरदस्त तरीके से यूज किए। और छुआ जो तूने, दिल ने मारी सिटी, इस वाले सीन्स में जो एक्शन देखने को मिलेगा मजा आ जाएगा। तो ऑल ओवर मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी, जिसके इमोशन से लेकर एक्शन से लेकर इसकी प्रेजेंटेशन तक सब बहुत ही काबिले तारीफ थी, जो आपको अंडरलाइन ट्रस्ट देगा। तो एक्शन लवर्स के लिए मूवी बहुत ही सेटिस्फाइड रहने वाली है, जिसकी इंटेंस वाइब आपको स्टार्ट टू एंड एंगेज करके रखती है, जिसमें बिना बात का कोई एंगल नहीं डाला गया। मतलब मूवी जिस तरह पर चलती है उसकी मंजिल से भी बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाती है। अब मेरे दिल में इस मूवी के और पार्ट देखने की इच्छा है, जो शायद कभी पूरी ना हो। अब मूवी इंडिया में थिएटर में नहीं लगी, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते, जैसे मूवी में बहुत सारा वायलेंस है, न्यूड सीन्स और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को गरीब लोगों का नरसंहार करते हुए दिखाया है। तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8/10। आप मूवी जरूर देखिए पर फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मूवी में सेक्स सीन्स देखने को मिलते हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, और न्यूड सीन्स भी है और बहुत सारा वायलेंस है।